इस सेशन के अंदर हम अपनी वर्कशीट के लेआउट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज हमने एक बहुत ही एक्सेलेंट किस्म की वर्कशीट क्रिएट कर दी है। अब मैं इसके प्रिंटआउट्स लेना चाहता हूँ, तो प्रिंटआउट लेते वक्त डेफिनेटली मुझे पहले प्रायर ये देखना होगा कि एक्चुअल में मेरी वर्कशीट एक पेज पर प्रॉपरली प्रिंट होगी भी या नहीं होगी। और प्रिंट के वक्त आपको मालूम होगा कि दो पोजीशंस होती हैं पेज की, एक रोटेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। तो चूंकि मेरा डाटा ये लैंडस्केप पोजीशन के लिए ज़्यादा फिजिबल है, उसमें कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा डाटा तमाम जो है वो ऑर्डर कर दिया जाए, पेज की सेटअप को चेक कर लिया जाए एंड देन उसके बाद उसे प्रिंट आउट दिया जाए। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक पेज पे प्रॉपरली प्रिंट हो भी सकता है या नहीं है। तो हम क्विक एक्सेस टूल बार में से प्रिंट प्रीव्यू की कमांड के टूल को ओपन करते हैं एंड देन प्रीव्यू के जरिए हम चेक करते हैं कि प्रॉपरली ये टेक्स्ट एक पेज पर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू बताता है कि ये टेक्स्ट एक्चुअल में दो पेज के ऊपर प्रिंट होगा। अब चूंकि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डायरेक्टली प्रिंट के ऑप्शंस में चला जाऊं और यहाँ पर मैं कमांड्स को अप्लाई करूं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले पेज लेआउट के टैब में आइए और यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप को सेलेक्ट करें रोटेट की जगह। अब लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली डाटा अब भी एक ही पेज पर प्रिंट होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। तो अब इसको दोबारा से चेक करने का तरीका ये हो सकता है कि आप प्रीव्यू पे चले जाएं अगेन, या फिर अब हम व्यू के टैब में आकर, इस वक्त हम नॉर्मल पेज लेआउट पोजीशन पर है, हम इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू पर देख लेते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू पर देखने से फायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली ये एक वर्किंग पोजीशन पे एडिट मोड पर बेसिकली आपकी शीट ही रहेगी और यहाँ आपको ये गाइड करेगा कि जो आपकी वर्कशीट है वो किस तरह से पेजेस पर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम टैक्स हमारा पेज वन पर आसानी से आ सकता है, जबकि ये टैक्स स्टिल अभी भी पेज टू पे जा रहा है, हालांकि हमने इसको लैंडस्केप कर दिया। अब इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये टैक्स पेज वन पर ही आए, तो इसके ये जो पेज ब्रेक का एरिया है, ब्लू लाइन है, इस पे माउस के पॉइंटर को रखें और जब पॉइंटर इस तरह से एरो में तब्दील हो जाए देन यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द लास्ट एरिया, आप लास्ट तक ले जाए और इसके पेज ब्रेक को खत्म कर दें। ऐसा करने से अब आपका एंटायर डाटा जो है वो एक ही शीट पर लैंडस्केप पोजीशन पे प्रिंट होगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करें और आप देख सकते हैं कि तमाम डाटा हमारा एक ही पेज पर आसानी से प्रिंट हो रहा है और हम यहीं से डायरेक्टली प्रिंट की कमांड को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि डाटा लेट सपोज मुझे कंप्लीटली चाहिए, लेकिन नीचे ये जो टोटल की हेडिंग आ रही है, ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है हमारे पास, हमें ये नहीं चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि प्रिंट प्रीव्यू यहाँ जो पेज लेआउट आ रहा है यहाँ से मैं इसे इसकी जो विड्थ है इसे मैं कम कर दूँ, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डाटा को रेंज में ले लें, इंटायर वो डाटा जो कि आपको प्रिंट करना है उसकी रेंज बना लें एंड देन उसके बाद हम पेज लेआउट के टैब में जाते हैं और यहाँ से हम प्रिंट एरिया से सेट प्रिंट एरिया की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। सेट प्रिंट एरिया ने भी आप देखें एग्जैक्टली वही काम किया और आपका टेक्स्ट जितना आप प्रिंट करना चाहते हैं एग्जैक्टली उतना ही टेक्स्ट अब प्रिंट आएगा, रेस्ट ऑफ द एरिया में अगर कोई टेक्स्ट है तो वो नजर नहीं आएगा। अगर आप इस मोड से नॉर्मल मोड पर आना चाहते हैं तो आप एडिट से व्यू के टैब पर जाने के बाद नॉर्मल पर क्लिक करें, ये आपके पास नॉर्मल लेआउट आ रहा है और इस नॉर्मल लेआउट में आपकी वर्कशीट बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल बोर्ड पर जैसे प्रॉपरली हम देखते थे बिल्कुल इसी तरह से हमें नज़र आ रही है। अगेन आप अगर इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह के अगर यूजर्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि पेज लेआउट एनवायरनमेंट पे आ जाए तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरह से डिफरेंट हमारे पास पेज लेआउट्स होते हैं, डिफरेंट वर्कशीट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारी इस वर्कबुक में जो पेजेस हैं उसको इसने एक बुक की शक्ल में हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। फिलहाल तो ये सारा डाटा हमारा
बड़ा इजी है और एक ही पेज पर ये आ भी रहा है, तो हमें कोई टेंशन की नीड नहीं है। नॉर्मल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्कशीट को दोबारा नॉर्मल मोड पर ले आते हैं।